के न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दिल बोलेगा देश सुनेगा। राहुल गांधी पर चढ़ा हिंदुत्व का रंग, क्या भगवा चोला दिलाएगा कांग्रेस को जीत? नरोत्तम मिश्रा ने लिए खूब मजे, राहुल को बताया इच्छाधारी हिंदू। राहुल गांधी बीजेपी पर निशाना साध रहे थे, बीजेपी को हिंदू विरोधी बता रहे थे। जाहिर है कि राहुल गांधी हिंदुत्व का चोला ओढ़कर अपनी नैया पार लगाने की सोच रहे हो, और इस बात पर अब सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी को खूब लपेटा। क्या है, राहुल गांधी इच्छाधारी हिंदू है? सुविधा से ये टोपी और टीका लगाते हैं, धार्मिक पर्यटन पर जाते हैं, और धार्मिक पर्यटन में जाने के बाद में ये इस तरह की बात करते हैं। अभी तक मैं मानता था कि बालपन है, लेकिन जब संघ के बारे में इन्होंने ऐसा बोला तो मन को पीड़ा हुई। संघ को ये क्या समझ पाएंगे, मूल पिंड जब किसी संस्था का व्यक्ति का विदेशी होता है तो ये विसंगति रहती है, और इसलिए मैं कानून विशेषज्ञों से राय लूंगा कि इस विषय पे एफआईआर की जा सकती है क्या। सुना आपने नरोत्तम मिश्रा का ये बयान। नरोत्तम मिश्रा ने ये बात यूं ही नहीं कही। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महिला कांग्रेस का नया लोगो जारी किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी धर्म की दलाली करती है, लेकिन खुद को हिंदू पार्टी कहती है। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने ट्वीट करते हुए बीजेपी पर भी निशाना साधा और लिखा कि लक्ष्मी की शक्ति रोजगार, दुर्गा की शक्ति निडरता, सरस्वती की शक्ति ज्ञान, भाजपा जनता से ये शक्तियां छीनने में लगी है। संबोधन में भी उन्होंने कहा था कि बीजेपी खुद को हिंदू पार्टी कहती है, लेकिन देवी लक्ष्मी पर हमला करती है और महिलाओं की ताकत को कमजोर कर मां दुर्गा पर हमला करती है। बीजेपी धर्म की दलाली करती है, लेकिन खुद को हिंदू पार्टी बताती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आगे कहा कि कांग्रेस की विचारधारा सावरकर की विचारधारा में क्या फर्क है। बीजेपी के लोग कहते हैं कि वो हिंदू पार्टी, कि बीजेपी के आरएसएस के लोग हिंदू पार्टी, तो अगर पिछले 100-200 साल में किसी एक व्यक्ति ने हिंदू धर्म को समझा हो और हिंदू धर्म को अपनी प्रैक्टिस बनाई हो, तो उस व्यक्ति का नाम महात्मा गांधी है। इसको हम भी मानते हैं और इसको आरएसएस के लोग भी मानते हैं, बीजेपी के लोग भी मानते हैं। तो अगर महात्मा गांधी ने हिंदू धर्म को समझा और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हिंदू धर्म को समझने में लगा दी, तो आरएसएस के विचारधारा ने उस हिंदू के छाती में 3 गोली क्यों मारी? राहुल गांधी जहां बीजेपी पर हमलावर थे, तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी के बयानों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने बहादुर जवानों के लिए खून की दलाली शब्द का इस्तेमाल किया था, अब वो हिंदू देवी देवताओं का इस्तेमाल कर रहे हैं जो अपमानजनक है, उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए।
वहीं भोपाल से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि गुरुवार को राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। उन्होंने कहा, राहुल गांधी को हमारे देवी देवताओं के अपमान के लिए माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी की माँ और ब्रदर इन लॉ ईसाई हैं। लगता नहीं है राहुल गांधी में हिंदू खून है। हिंदू देवी देवताओं का अपमान बंद करो। यानी राहुल गांधी अपने ही बयानों में फिर से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हिंदुत्व के नाम पर वोट लेने की चाल कहीं ना कहीं विफल होते हुए नजर आ रही है। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।